हेलो दोस्तों, आज हम भारत ओमान रिफाइनरीज में जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो थोड़ा सा हम कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, भारत और ओमान देश का ये जॉइंट वेंचर है जिसमें यह जो रिफाइनरी है वो BPCL की रिफाइनरी है। दोस्तों, हमारे भारत में वैसे तीन बेसिकली सबसे बड़ी रिफाइनरी जो कि रिलायंस की है, उसके बाद IOCL और BPCL की रिफाइनरीज हैं देश में। तो उसी क्रम में हमारी मध्य प्रदेश में जो कि रिफाइनरी है वो मध्य प्रदेश में है, जो कि बीना रिफाइनरी यानी कि भारत ओमान रिफाइनरीज के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, यह 2011 में इसका उत्पादन शुरू हुआ था, जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो आइए हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भारत ओमान रिफाइनरीज का, जो कि BPCL की एक रिफाइनरी है। तो दोस्तों, जो भी हमारे कैंडिडेट्स डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो 2020 और 21 में जो पास आउट हैं उन्हीं के लिए यह है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है, जो कि अप्रेंटिस एक्ट 1973 के अंतर्गत यह अप्रेंटिसशिप की भर्ती ली जा रही है। तो दोस्तों, आइए हम कुछ पोस्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो कि डिप्लोमा केमिकल पेट्रोकेमिकल की जो वैकेंसी हैं वो 30 वैकेंसी हैं रहती है, जिसमें मंथली स्टाइपेंड 15,000 रुपये रहता है। और लोकेशन तो सभी पोस्टों के लिए भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड बीना डिस्ट्रिक्ट सागर में ही रहेगा। तो दोस्तों, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियर्स होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपका स्ट्रीम होना चाहिए, जिसमें मैकेनिकल की वैकेंसी 2 हैं, इलेक्ट्रिकल की 2, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 वैकेंसी है, और सिविल की इसमें 2 वैकेंसी हैं। तो टोटल 37 वैकेंसी के लिए इसमें आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फुल टाइम कोर्स। तो दोस्तों, फर्स्ट क्लास में ही आपका जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए, और जिसमें कि 60% मार्क्स स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन से होना चाहिए आपके। इसमें 50% SC/ST के लिए छूट प्रदान की गई है। द इंस्टीट्यूट सेल बी लोकेट ओनली इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड द कोर्स सेल बी AICTE एप्लीकेशन। तो दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपने मध्य प्रदेश से ही अपना मध्य प्रदेश की से ही किसी कॉलेज से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ हो, वही कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें एज जो दी गई है वो 18 से 24 साल दी गई है, जिसमें कि 1 जनवरी 2022 को आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/1998 से 1/1/2004 के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों, रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। गाइडलाइंस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट ऑन द रिजर्वेशन ऑफ SC/ST/OBC विल बी फॉलो दोज हु आर क्लेम्ड रिजर्वेशन अंडर SC/ST/OBC शैल प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। तो दोस्तों, जो भी हमारे गवर्नमेंट के SC/ST/OBC के सर्टिफिकेट होते हैं उसी आधार पर आपका रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग आपका रहेगा 1 ईयर, और जिसमें 1973 के एक्ट के द्वारा ही आपको अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी। तो इस प्रोसीजर जो रहेगा वो क्वालिफाई एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर ही होगा आपका जो भी यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, सब कुछ सबसे पहले आपको क्या करना है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारा का सारा दिया हुआ है NATS और MHRD पोर्टल का, तो आप यहाँ से इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। बोर्डिंग एंड लॉजिंग विल नॉट बी प्रोवाइडेड, यानी आपको किसी भी तरह का जो रहने का ये सब आपको नहीं दिया जाएगा। और तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है जो 5 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक के बीच में है पोर्टल पर, ठीक है, भारत ओमान रिफाइनरीज पोर्टल पर। और लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड जो आपको 16 जनवरी तक आपको अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा जॉब नोटिफिकेशन। इसी तरह के हम जॉब नोटिफिकेशन आपको लाते रहेंगे। तो जो HR डिपार्टमेंट से ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो था मैंने आपको वो दिखाया, तो इसी तरह की और भी जॉब अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बने रहें। खुश रहिए, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।